फिर वो कॉन्डम उतारा ठीक है हाथ धोया नहीं फिर उसे अपने पेनस को टच कर लिया तो वो तो डायरेक्ट ऑफ कंटेक्ट हो गया आपका तो कंटर्मनेशन हो गया तो ध्यान रहे जब आप कॉन्डम उतारते हो आप टिश्यू पेपर का या अपने रुमाल का यूज करो उसको उतारो उसको फेंक दो प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करो फिर हाथ धो अपने पहले वॉश करो मसाज पाउडर में चले गए अब वहां पर मसाज पॉलर में आप जाके अपने सेक्स की मसाज कर ली अब आप, आप अनजाने में सेक्स कर लिया आपने कॉनम यूज नहीं किया कॉनम ब्रेक हो गया उसको इग्नोर मत करो डॉक्टर के पास जाओ आजकल दवाई है आप एच से बच सकते हो इस ट्रीटमेंट का नाम है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफेलैक्सिस ज्यादा ये उन लेडीज में देखा गया है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स जिनके जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिनके हैं देखिए अल्कोहल आपको बहुत दिक्कत कर सकता है आप जंक फूड अगर आप खाते हैं वो बहुत परेशान कर सकता है आपको अभी चीज़ वीजे जो प्रोसेस्ड सारे हैं ये बहुत दिक्कत कर सकता है और अगर आप मान के चले ट्रांसफैट्स खाते हैं वो बहुत दिक्कत कर सकता है और उन्होंने वहाँ पर सेक्स कर लिया किसी पार्टनर के साथ जिसके बारे में पता नहीं था कि उसका स्टेटस क्या है चाई का अगर वो पेशेंट हमारे पास विद इन सेवेंटी आवर्स आता है और हम उस पर दवाई स्टार्ट करते हैं जिसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लैक्सिस तो उस पेशेंट को एच नहीं होगी नहीं यूज होती थी। थी। और फिर के बाद वहाँ पर द लड़कूँगा अब मान के चले एक पार्टी में 20 25 30 लड़के हैं उन्होंने एक लड़के को पकड़ लिया उसके साथ उन्हें एनल सेक्स कर लिया तो वहाँ पर उस केस में लाजमी है कि इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो पेशेंट हमारे पास आता है विदिन सेवेंटी टू आवर्स तो हम उसको दवाएं देंगे उसको एच आई वी नहीं होगी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन राइट लेट्स मूव विदर लेट्स गिव द एग्जाम्पल सो दिल्ली किस बारे में बात हो रही तो क्लिमेडिया चीज राइट लेट्स और लेट स्टार्ट विद सिफलिस और वट यू वॉन्ट टू स्टार्ट विथ फर्स्ट देखो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है मेल्स या फीमेल्स में वो है गनेरिया ओके okay. गुनेर गिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बेसिकली क्या है कि गनेरिया एक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होता है ठीक है अब ये जो इन्फेक्शन है ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है अब रीज़न क्या है जो वेजाइना है वेजैना एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं खाने की चीज़ ज़्यादा है अब मान के चलो कोई भी पैथोजन है मान के चलो वायरस है फंगस है बैक्टीरिया है उसकी तो आयश है क्योंकि आप ये देख लीजिए कि अगर एक फीमेल जो 15-16 साल से उसकी ज़्यादा एज है और 45-50 साल तक तकरीबन दिन में 10 से 15 बार ऑटो डिस्चार्ज हो जाती चाहे वो कभी बात करे वॉक करे चाहे कोई भी एक्टिविटी करे तो वो जो ओवा है वो रिलीज होता रहता है ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ओवरीज ओ, ओवा को बनाती है वो जब भर जाती हैं तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो आस् करके बाहर आ जाती है ऐसा करके बाहर आ जाती तो ये जो ओवा है ये एक बिल्कुल हाई क्लास का प्रोटीन है तो आप ये देख लीजिए जो भी वायरस जो भी फंगस जो भी बैक्टीरिया नीचे बैठा है अगर आपकी हाइजीन अच्छा नहीं है आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया नहीं तो उसके लिए तो ऐश है तो कोई भी इन्फेक्शन मान के चले कि अगर आप कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं जहां पर आप जो पब्लिक टॉयलेट है वहां पर आप अगर आप मान के चले प्रॉपरली उसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लेडीज जब बैठती हैं टॉयलेट में तो उनके जो पार्ट्स जो विजेटल लिप्स है वो कभी टच करती हैं टॉयलेट को तो वहां से इन्फेक्शन आ सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ही हो मान के चले वो किसी जगह पे जाती है किसी रेस्टोरेंट में जाती है किसी ऑफिस में जाती है और वहाँ पर हाइजीन नहीं है वहाँ पर टॉयलेट साफ नहीं है तो वहाँ से इन्फेक्शन्स हो सकते वो इन्फेक्शन एक बारी वेजन वॉल को टच कर गया फिर तो उस वायरस की उस फंगस की उस बैक्टीरिया की ऐश है क्योंकि वहाँ पर उसको खूब प्रोटीन मिलता तो यही एक वजह है कि फीमेल्स में हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है बहुत ही मैंडेटरी है अब आजकल सिस्टम क्या चला है आजकल जो लेडीज़ है वो आजकल वो पेंटीज पहनती है वो बिल्कुल वी शेप वाला अब वो वी शेप वाला जो पेंट पेंटीज़ है वो अंदर चला जाता है विजन वॉल्स के अंदर जाता है अब मान के चलिए तीन चार पाँच घंटे दस घंटे वो बाहर लड़की ऑफिस में काम करिए और वो विजन वॉल्स को आस्था आज करके खोल रहा टच हो रहा वॉक कर रही है तो उससे क्या है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि देखिए कपड़ा है अब डिटर्जेंट है उसमें कोई इन्फेक्शन अगर बाई चांस पेंटीज में रह गया आपने मान के चले सात आठ घंटे पहले पेंटीज पहनी है तो आठ घंटे के बाद वहाँ पर जो इन्फेक्शन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा है चालीस पैंतालीस अड़तालीस डिग्री टेम्परेचर है साथ में ह्यूमिडिटी है तो ये फंगस के लिए बहुत ही बढ़िया क्लाइमेट है बैक्टीरिया के लिए भी है तो यही एक रीज़न है कि लेडीज़ को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो गुनेरिया लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है अब लड़के ने उसके लड़की के साथ सेक्स किया नहीं तो लड़के को वो चला गया वो पेनिस में चला गया इन्फेक्शन वो पेनिस से फिर टेस्टिस में आता है और जो ही टेस्टिस में इन्फेक्शन होगा तो वहां पर फिर वो पस डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा आपको वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है आपको चलते चलते आप देखोगे कि यूरिन के ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे वो यूरिन के ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं वो इन्फेक्शन होता है स्टार्टिंग में वाइट कलर को होगा आस्ता करके दो तीन दिन के बाद वो येलोइश हो जाएगा और अगर आप उसको ठीक नहीं करते हैं चार पाँच सात दिन के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है क्योंकि जो गुनेरिया है वो क्या करता है वो अंदर जो यूरिनरी ट्रैक है उसको इतने छेद कर देता है उसको इतने अल्सर्स करता है कि उन अल्सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और ये बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है अगर मान के चले आपके हाथ पे ब्लीडिंग होती है अगर टच होता है या कट लगता है तो आप ऊपर से बैंडेज लगाओगे बंद करोगे लेकिन अगर यही कट्स अंदर लग गए बॉडी में तो आप कैसे उसको बैंडेज करोगे आप कैसे ब्लीडिंग को रोकोगे तो बहुत बार ऐसे केसेस में पेशेंट्स के डेथ हो जाते क्योंकि आप यूरिन जब करते हो यूरिन में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे कोका कोला कलर वाला यूरिन है वैसे आपको आएगा बिल्कुल कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ब्लड आता है तो आपको ये बड़ा ध्यान देना है कि अगर येलोविश हो रहा है डिस्चार्ज तो इन्फेक्शन बहुत सीरियस है और अगर उसमें रेड ब्लसल्स आ रही हैं थोड़ा सा भी रेडिश दिख रहा है तो भाई आपको हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करना है ये प्रॉब्लम फीमेल्स में नहीं होती वहां पर आपको फीमेल्स में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि वो उनमें रेजिस्टेंस होता है क्योंकि जो वेजनल कैविटी है वो बहुत बड़ी है उसमें इन्फेक्शन्स जो हैं वो छुप जाती जो लेकिन मेल्स का जो पार्ट है पेनिस का या जो अंदर यूरथर है या जो अंदर डेसीज है वो छोटा है वहां पर जगह नहीं तो वहां पर इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलते तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको गनेरिया का इंफेक्शन है तो तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाए बॉस आजकल ऐसा सिस्टम है कि अगर आप एक दिन भी दवा प्रॉपरली खाओगे तो आप इन्फेक्शन रोक सकते मीन्स अगर आपने बढ़िया टेबलेट ली तो पहली खुराक से ही आपको फर्क पड़े तो इसलिए इग्नोर मत करिए आप डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको मामूली सी जलन भी पिछाब में होती है आपने मान के चलो कोई सेक्सुअल कोर्स किया अब मान के चले आपकी गर्लफ्रेंड है आप उससे पांच छह महीने या साल के बाद मिले अब उस लड़की ने छह महीने साल सेक्शुअल कोर्स नहीं किया और उसको बाईचांस कोई इंफेक्शन था आपने सेक्स एनफ्रोटेटेड किया और अगर उसके बाद आपको जलन होती है अगर आपको कोई पेशाब में प्रॉब्लम होती है आप तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल सिंपल दवा से ठीक हो सकते जितना आप लेट करोगे उतनी कॉम्प्लीकेशन बढ़ती रहेंगी बहुत बार हमको पेशेंट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक बार इंफेक्शन फैल गया वो पूरे बॉडी में सेप्टिसीमिया कर सकता है ऑर्गेनिक फेलियर हो सकता है तो इसलिए गुनेरिया बहुत खतरनाक इंफेक्शन है उसको आप ध्यान दें उसको हल्के में मत ले लो यू हैड बी वेरी सीरियस अबाउट दिस डिजीज द टाइम यू आर फीलिंग एनी इरिटेशन एनी बर्निंग इरिटेशन इन यूरिन एनी एनी प्रॉब्लम यू आर फीलिंग दैट कि भाई मेरे को जलन हो रही है मेरे का अनकंफर्ट है कुछ भी तो डॉक्टर के पास जाओ खुद इलाज मत करो सिर्फ सिम्टम्स क्या है गुनेरिया के अगर पाँच चार तीन सिम्टम्स इनिशियल स्टेजेस में हो तो स्टार्टिंग में आपको यूरिन बर्निंग सेंसेशन हो सकता है आपको इरिटेशन हो सकती इन है इन बोथ बोथ फीमेल मेल या ठीक है।, है हाँ आपको इरिटेशन हो सकती है आपको खुजली टाइप लगेगा कि आपको ये महसूस होगा फिर आपको पस डिस्चार्ज स्टार्ट होगा मेल्स में तो पस डिस्चार्ज फीमेल्स में भी पस डिस्चार्ज हो जाता है और आज तक करके पहले पास डिस्चार्ज बिल्कुल लिक्विड टाइप होगा फिर वो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा वाइट कलर का डिस्चार्ज होगा फिर आगे जाके जब इन्फेक्शन बढ़ेगा वो येलोइश होगा और आगे जाके वो रेडिश होगा जितना कलर चेंज होता रहेगा उतना इन्फेक्शन बढ़ रहा है तुरंत से तुरंत आपको टाइम नहीं वेस्ट करना कि भाई घरेलू नुस्खे करो मत सीधे डॉक्टर के पास जाओ एक सिंपल सा टेस्ट है अगर टेस्ट अगर डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा वो आपका यूरिन का सैंपल लेगा उसमें आपका

गुनेरा इतनी सीरियस डिजीज़ नहीं है देखिए हमारे जैसे डॉक्टर के लिए तो ये बिल्कुल कोई छोटी बीमारी है लेकिन आप समझिए ना इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है जब पेशेंट आएगा वही तो बताएगा ठीक है सीरियसनेस लेना है आप इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को इन्फेक्शन है प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टेम्परेचर जो हमारे देश में ह्यूमिडिटी है जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो बैक्टीरिया को बहुत फास्ट डिवाइड करता है उसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है

क्या है उसके देखिए okay. ये बेसिकली आजकल जो होमोसेक्सुअल्स है उस उनमें ज्यादा पाया जाता है बेसिकली जो का जो का बैक्टीरिया है ये जो एनल कैविटी में उसमें भी प्रोटीन होता है क्योंकि एनएस जो है वहां पर जो फीकल फीकस हमारा बाहर आता है उसमें प्रोटीन होता है तो वहां पर ज्यादा देखा जाता है ठीक है तो जितने भी जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो आजकल सेक्स uh, करते हैं एक्टिविटीज़ में मल्टीपल पार्टनर्स हैं कौन हम यूज़ नहीं करते हैं तो उनमें सिफिलिस का ज़्यादा चलन है तो मैक्सिमम आजकल जो देखा जा रहा है सिफिलिस का जो इन्फेक्शन है वो मेल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है दूसरी चीज़ पहले क्या होता था आज से 10-15-20 साल पहले जब सिफिलिस होती थी तो हम एक छोटा सा इंजेक्शन पेंडूरा 12 लाख का यूनिट लगाते थे तो बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता था तो उसको कोई फ़र्क नहीं मीन कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी और वो बिल्कुल क्लियर हो जाता लेकिन आजकल सिफिलिस का इतना रेजिस्टेंस स्टेंस आए हैं साहब सोलह सोलह बीस बीस इंजेक्शन भी लगाते हैं तब भी वो इन्फेक्शन नहीं जा रहा मीन्स बहुत परेशानी कर रहा है इस वक्त अब प्रॉब्लम क्या है कि प्राइमरी सिफिलिस से कोई दिक्कत नहीं होती है आप जब सिफिलिस होगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जीव में एक गड्ढा सा होगा ये प्राइमरी सिफिलिस का है। फिर ऐसा करके आपके हाथों में जो ये हाथ है यहाँ पर आपको छोटे छोटे आपको अल्सर्स टाइप लगेंगे मीन्स आपको पहले लगेगा कि यहाँ पर दाग से हो रहे हैं इन ये जगह पे देखिए ठीक है जैसे आप रिक्शा चलाते ना तो आपको छाले पड़ते ना गांठ पड़ जाती है उसी टाइप का आपको हाथ में होगा फिर ये सेम टाइप आपको नीचे पैर में होगा ये है प्राइमरी जब सेकेंडरी सिफिलिस है तो बिल्कुल ये जो गड्ढे हैं ये बढ़ जाएंगे फिर ये पूरी बॉडी में फैलेगा फिर आपको पेनिस एरिया में भी घाटी पड़ सकती हैं फिर आपके जो विजना है वहाँ पर भी अल्सर्स हो सकते हैं तो वो सेकेंडरी सिफिलिस है प्राइमरी सिफिलिस अगर आपने डायग्नोस किया सिंपल सा टेस्ट है आपने सिफिलिस एंटीबॉडी टेस्ट किया या डी कर दिया या आर आर है बहुत सारे टेस्ट है बेटर है सिफिलिस एंटीबॉडी आपने उसको डिटेक्ट किया अगर आपको पॉजिटिव है तो आप डॉक्टर के पास जाइए तो वहाँ पर बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट कराइए तो ये हंड्रेड परसेंट ठीक हो जाता है लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा भी कोताही भर दी कि भाई या ऑटो इम्यून प्रोसेस से आप कोशिश करोगे इसको ठीक करने के लिए कभी कभार तो होता है कभी कभार ये बीमारी आपकी बॉडी में ही रहती फिर वो रेजिस्टेंस वाला सिफिलिस हो जाता फिर वो दिक्कत करेगा फिर उसको बॉडी से निकालना बहुत

एक पेशेंट को निमोनिया हो जाता है या जब खांसी हो जाती है निमोनिया हो जाता है तो हर एक पेशेंट की डेथ नहीं होती बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में हम पेशेंट को लूज करते हैं क्योंकि उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है सेम इज हियर ये, ये रेयर ऑफ द रेयर है ये ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट को ऐसा हो सकता है ठीक है यानी कि ये क्यूरेबल है ठीक है अच्छा ट्राइक्रोक्रो ट्राइकोमोनोसिस सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन है उसको भी आप सिंपल टेस्ट करोगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आप उसको टेस्ट करोगे आपको वो डिटेक्ट होता है उसकी दवाई खाओ

And uh, four ninety million people are today currently living with genital herpes. Ha. Huh. Okay. So so uh, and also uh, four ninety million people and there are three hundred million women who have HPV infections leading to condition like cervical cancer. Let's first address the issue with the genital herpes and whether it's bo for both the gender, male and female, and then we will come to the cervical and what is the cervical cancer for it. जेनिटल हर्पीस से शुरू करते हैं सर देखिए जो हर्पिस है बेसिकली जो आपने बचपन में देखा होगा कि यहाँ पर हमारे छोटे छोटे वो White -white दगे, दगे दगे छोटे छोटे दब्बे हो जाते हैं ना वो पहले इन्फ्लेमेट होगा फिर हुँ. पानी सा बाहर आएगा तो दर्द होता है याद है आपको बचपन में जब वो होते थे तो वो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है तो ये प्रैक्टिकली इंडिया में तकरीबन सत्तर परसेंट लोगों को है सेवेंटी परसेंट दैट मीन्स कि जो आप अभी आप आ, मेरे को जो आ, डाटा दे रहे तो अगर हम इंडिया के साथ उसको कंपेयर करें तो ये तो कुछ नहीं दैट मीन्स कि तकरीबन सौ करोड़ लोगों को अस्सी करोड़ लोगों को तकरीबन हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस होगा अगर हम डिटेक्ट करेंगे ठीक है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है लेकिन जब इसके साथ एक और वायरस जुड़ता है वो है हर्पिस जोस्टर हर्पिज इज द जेनेटल वायरस में जब आपके जनरल्स इन्वॉल्व होते हैं मान के चले पेनिस में इन्फेक्शन होगा विजनल वॉल्स में इन्फेक्शन होगा वैसे ये करता ज्यादा कुछ नहीं है इतना कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं है लेकिन आप अगर आप आप अगर मैरिड uh, हो और आप बच्चे चाहते हो तो डेफिनेटली आपको हर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए क्योंकि ये आपको दिक्कत कर सकता है इनफर्टिलिटी में हेल्प करता है आप समझ गए ना मिज फर्टिलिटी को नहीं होने देता ये तो दूसरी चीज अगर आपका हर्पिस प्राइमरी हर्पिस है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट है आप उसको दवाई खाओ वो बिल्कुल ठीक हो सकती है हर्पिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं तो ठीक खा सकते हो लेकिन अगर मान के चलो हर्पिस आपकी बार बार रिकरेंट हो रही मान के चलिए आपने पंद्रह दिन दवा पहले खाई फिर वो हुई तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या पता मेरी मेरे को मेरे पार्टनर से तो नहीं हो रही है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आप तो दवाई खा लेते हो जैसे मान के चले इन्फेक्शन आपको हो गया आप डॉक्टर के पास चले गए आप ठीक हो गए फिर पंद्रह दिन के बाद आप वन सेकेंड पार्टनर से मिले आपने वो सेक्शनल डोकोर्स किया वहाँ से और इन्फेक्शन आया तो अब रूल क्या है कि जब भी आप हर का ट्रीटमेंट करते हो तो वहां पर दोनों पार्टनर्स को स्टर्लाइजेशन करना जरूरी है दैट मीन्स की यू हैव टू गिव यू हैव टू टेस्ट बोथ द पार्टनर्स तो और अगर उन दो पार्टनर्स में इन्फेक्शन मिलता तो उनको दवाई दो उसको शांत करो हर पे एक बार अगर आ गई आपकी बॉडी में ये डेफिनेटली आपके बॉडी में लाइफ टाइम ही रहेगा ये जाती नहीं है लेकिन आप उसको जब दवाई देते हो तो उसका जो पावर है जो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम कर सकते हो आपने उसको एक लेवल पे नीचे लाया फिर आपका ऑटो इम्यून प्रोसेस काम करता फिर ये बीमारी आपको तंग नहीं करती हर पीस भी क्यूरेबल है हंड्रेड क्यूरेबल है परफेक्ट और ये मेल एंड फीमेल दोनों में दोनों दोनों ये ज्यादा ज्यादा परेशानी फीमेल्स में करती है अच्छा। जब हर पिस फीमेल फीमेल तो जो वेजन वॉल्स है उसमें बिल्कुल करती है अंदर हर्पिस के आसान भाषा में समझो तो छाले आ, छाले मीन आप जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसे वेजनल वॉल्स में अंदर अंदर बिल्कुल छाले हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है सेक्सुअल कोर्स में प्रॉब्लम होती है दर्द होता है या यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है ये ये प्रॉब्लम हो सकती हर थीक है हर पिस ठीक है ठीक है और जब हम हरपिस की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल के जो सिम्टम्स है फीमेल के है, मेल का सिम्टम क्या सेम ही तकरीबन है, है सेम ही देखिए आपके जो छाले हैं वो पूरे पेरेंट के ऊपर जेंडरल एरिया में होंगे तो और सेम है सेम कंडीशन है जैसे फीमेल्स में होती है कि आपको दर्द होगा हरपिस में छाला पहले पहले होगा फिर फूटेगा फिर फूटने के बाद वो दर्द करता है मीन्स आपको फीलिंग होते है। लेकिन फिर ऐसा करके वो रिकवरी पे आ जाता इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है लेकिन उसको आप ट्रीट कर सकते हो ट्रीटमेंट है आप अपॉइंटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं आजकल लोकल दवाइयां हैं और आप दवाएँ भी खा सकते हो लेकिन अगर मान के चलो हर पिस आपकी रिकरंट है जैसे बार बार हो रही है। फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा फिर लंबे देर तक दवाई खानी पड़ती कभी कभार हमको साल दो साल तक हर पिस की दवा खानी पड़ती है टू

और उसका सिफ़िलिस बहुत हाई लेवल का, उसका जो टाइटर है बहुत ज़्यादा। तो अगर वो ऑरल सेक्स दूसरे लड़के के साथ करेगा तो हंड्रेड परसेंट इन्फेक्शन सेम इज आपका वायरल लोड कितना मान के चले अगर हरपिस का लेवल ज्यादा है बॉडी में तो आप हंड्रेड परसेंट वो इन्फेक्शन दूसरे को दे दोगे और डिपेंड करेगा कि आपका जो रिसिपेंट है मान के चले जो रिसिपेंट है अगर उसका इम्यून सिस्टम बढ़िया है उसको इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन अगर उसका इन्फेक्शन बिल्कुल थोड़े से भी वायरल लोड से थोड़े से बैक्टीरियल लोड से उसको इन्फेक्शन हो सकता है रिकरंट इंफेक्शन हो सकता थीक है ठीक है ठीक है आ, अब आते हैं सर, सर्वाइकल के बारे में अक्सर सिर्फ सर्वाइकल पेन तक ही लोग पहुंच पाए हैं बट सर्वाइकल कैंसर इज अ थिंग एंड ये हो रहा है इसकी वजह से ही जिसमें जेन से बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो वो क्यूरेबल तो है बट सर्वाइकल कैंसर की ये लेटर स्टेज कैसे आती है फिर अगर देखिए जो भी आजकल जितने भी इंफेक्शन होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए वो ह्यूमन पैपोलमा वायरस करता है एचपीवी ठीक है एचपीवी के तकरीबन दो सौ अलग अलग वेरियंट्स है दो सो तो कुछ ही वेरियंट्स है तकरीबन दस बारह वेरियंट्स है जो खतरनाक है हुँ. अब मान के चले कि एक लड़की को एचपी यू का इन्फेक्शन हो गया तो वो, वो क्या करेगा जो सर्वेक्स है सर्वेक्स हो गया जो विजन का लास्ट वाला पार्ट है जहां पर बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट है वहां पर यह वायरस बैठता है और उसके मुंह को यह इन्फेक्ट करता है इन्फिलेट करेगा ठीक है अब मान के चलिए अगर आपने इसको प्रॉपर दवा देखो एच पी का एज सच देर इज नो मेडिसिन तो वहां पर क्या काम करेगा वहां पर काम करेगा आपका इम्यून सिस्टम सी डी फोर सेल्स अगर आपका सी डी फोर सेल अच्छा है तो आप इस इन्फेक्शन को हटा वो आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसको हटाएगा लेकिन अगर आपका मान के चलो सी डी फोर काउंट ज्यादा नहीं है आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो फिर आपको वो इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा आस्ता सा करके वहां पर वो सेल्स को खराब कर देता है और वहां पर कैंसर पैदा कर देता है सबसे ज्यादा ये उन लेडीज में देखा गया है जिनके मल्टीपल पार्टनर्स जिनके जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स जिनके हैं और जो अनप्रोटेक् सेक्स करते हैं उनमें ह्यूमन पेप्लोमा वायरस बहुत ज़्यादा देखा गया है लेकिन अब खुशी की ये बात है कि आप इसके लिए वैक्सीन्स है अगर लड़की एक मान के चलो 12-13 साल की है अगर आप उसको वैक्सीन लगाते हो तो बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है एच से तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर में कोई बहन बेटी है कोई मदर है जिसकी ज़्यादा एज नहीं है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो कि भाई आप उसको डॉक्टर के पास जाओ और वो अपना वैक्सीनेशन करें तो इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है बिल्कुल ख़त्म हो सकती है जैसे हेपेटाइटिस बी हमने रेडिकेट किया जैसे हमने हेपेटाइटिस ए एरेडिकेट किया आप याद करो जब आप छोटे थे मीज आज से दस पंद्रह बीस साल पहले बिल्कुल कैंप लगते थे हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस ए के लिए और कितना वैक्सीनेशन हुआ तो अब आजकल आप देखो बहुत कम पेशेंट्स हेपेटाइटिस ए के बी के सेम हम इसमें भी कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से लड़कियों को उनको नॉलेज दें उनको अवगत कराएं और इतना महंगा भी नहीं है इंजेक्शन आप जाके अपने पेडेडिशन से बात करें और एक अपना वो वैक्सीनेशन कराएं वो बहुत ही फायदेमंद है ये और मैं तो रिकमेंड करता हूं कि मेल्स को भी करना वैक्सीनेशन हाँ ये एसपी का सेम लिए लास्ट कोई एज नहीं कोई एज नहीं कभी आप कभी भी लगा सकते हो रीजन क्या है कि अब आजकल जो पेनिस में जो एसपी की वजह से कैंसर होते हैं वो बढ़ रहे हैं अच्छा इतने ज्यादा नहीं है लेकिन हम इतना अलार्मिंग नहीं है बट है ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं है कि इससे कोई इंफेक्शन नहीं होता मेल्स में भी पेनिस में कैंसर होते हैं तो वो कैंसर जो है उसका जो ह्यूमन पेपल वायरस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है तो बेटर है कि मेल्स भी

जो मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन है ये भी एक बहुत ज्यादा प्रोविडेंट चीज हो गई है तो ये कितना चांसेस होते हैं कि मदर टू चाइल्ड पास ऑन हो जाए अगर मदर किसी भी एस आई टी या एचपीवी से देखिए हर पिस अगर मान के चलो uh, मदर को है तो जब वो uh, uh, अगर वो डिलीवरी करते हैं अगर उसका नॉर्मल डिलीवरी है हुँ. तो डेफिनेटली जब बच्चा पास होगा तो उस वक्त वो इन्फेक्शन दे सकती है अपने बच्चे को जब एक बच्चा पैदा होता है तो जब वो वोम में होता है तो वहाँ पर बहुत सारा भगवान ने ऐसा प्रोटेक्शन दिया है कि उस वोम में आपको कोई इन्फेक्शन नहीं घुसता है ठीक है अब इन्फेक्शन कब घुसेगा जब आप पुशअप करते हो जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो जब वेजनल देखिये विजयना इतना छोटा होता है जब वो बड़ा हो जाता है जब उसका सर बाहर निकलता है तो उससे जितने भी इन्फेक्शन्स हो सकते हैं वो कभी कभार बच्चे के मुंह में जाते हैं नाक में चले जाते हैं कान में चले जाते हैं आँख में प्रॉपर वॉशिंग नहीं होती है तो उस वजह से ये इन्फेक्शंस ज्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को हो सकते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको हर पिस का इन्फेक्शन है तो उसकी दवाई खाओ ओके okay. उसको न्यूट्रलाइज लेकिन अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं एच की आजकल इन पहले क्या होता था कि अगर मदर एच आई पॉजिटिव है फादर एच आई पॉजिटिव है तो बच्चे को भी एच आई वी होती थी लेकिन अब अब स्नेर थोड़ा चेंज हो गया अगर मान के चलो फादर एच आई पॉजिटिव है और वाइफ एच आई यू नेगेटिव है और वो चाहते हैं कि बच्चा उनका एच आई वी नेगेटिव रहे तो हम क्या कर सकते हैं हम बाप का जो वायरल लोड है एच आई वी का उसको जीरो कर सकते हैं टारगेट नॉट डिटेक्टेड जब हम उसका टेस्ट करेंगे एच आई वी का तो वहां पर वो जो टेस्ट है वो जीरो मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसफर नहीं करा इन्फेक्शन और साथ में मदर को एक दवा होती पी आर ई पी प्री एक्सपोजर वो दवाई हम कंटिन्यू करेंगे मदर को तो वो जब इंटरकोर्स करेंगे तो उससे क्या होगा फादर जीरो वायरल लोड पे है मदर को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो मदर जब पैदा करेगी बच्चे को अगर वो वहां पर आ, उनका सेक्स होता है उनका बच्चा होता है तो जब जाइोड फॉर्मेशन होगी जब बच्चा पैदा होगा तो इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा फादर से मदर को या आ, मदर से चाइल्ड को आप बचा सकते हो एक बहुत बड़ी बात है कितने एच पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर देखिए मैं तो एच का ट्रीटमेंट पिछले पच्चीस साल से कर रहा हूँ तो हमारे पास हजारों पेशेंट एच पॉजिटिव आप ये देखिए कि जब कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं सर बच्चा कर सकते हैं बच्चे को तो नहीं होगा मैं कहता हूं देखो अपना वायरल जीरो रखो बेशक अगर मदर भी एच पॉजिटिव है फादर भी एच आई पॉजिटिव अगर दोनों का लोड जीरो है और उसके बाद भी अगर वो कोशिश करते हैं बच्चा करने के लिए हंड्रेड परसेंट उनका जो बच्चा है वो एच आई नेगेटिव रहे क्योंकि देखिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप जो हमारा जब यूट्रेस में बच्चा तैयार होता है ना तो सारे इन्फेक्शन से बॉडी में जितने भी कितने भी कितने क्यों ना हो वो ट्रांसफर नहीं होते वो आपके बच्चे की बॉडी में नहीं आते तो ये 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 कुदरत का एक सिस्टम है ठीक है तो अब एच आई वी की हम बात करते देखिए एच आई वी ऐसा इंफेक्शन है जो एक बार पेशेंट को हो गया फिर उसको छोड़ता नहीं बहुत खतरनाक बीमारी है अगर आप एच का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते तो तीन से चार महीने या छह महीने मैक्सिमम आपकी एज हो सकती है आप यकीन नहीं मानोगे एक दिन में जब एचआईवी बहुत खतरनाक होती है तीन तीन चार चार किलो वेट लॉस होता है एक दिन में दैट ये अगर पेशेंट सौ किलो का है तो एक महीने में वो पच्चीस किलो पे आ जाता है तीस किलो पे आ जाता है ये हालत होती है जब बहुत भयंकर इंफेक्शन होता है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है एच आई जब होती है तो वो आसा करके बॉडी में इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्शन फैलेगा तो वो हमारी कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सी फोर सेल्स वो उनको अटैक करता है आस्ते सा करके सी फोर सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है तो जब सेल्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगी तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है अगर आपके बॉडी में सी काउंट पाँच से ऊपर है तो ये ठीक है नॉट अगर पांच से नीचे थोड़ा सीरियस है तीन से नीचे है तो बहुत सीरियस है लेकिन अगर 200 से नीचे सी डी फोर काउंट है तो ये बीमारी एच आई वी एड्स कहलाती है एक्यूर्ड इम्यूनिटी डिफिशंसी सिंड्रोम तो उसमें क्या है कि आपकी सेकेंडरी इंफेक्शन आते हैं वहां पर ये इन बीमारियों का रोल जिनकी हमने बात की सिफिलिस गुनेरिया क्लेमीरिया ट्रेखेमोस हर्पिस टिब्रकलोसिस कैंसर ये बॉडी पे अटैक करते हैं ये फिर पेशेंट को बहुत दिक्कत करते दो सौ से नीचे आपका सी फोर काउंट गया नहीं पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती उसका पूरा इम्यून सिस्टम बैठ जाता है भूख लगना बंद हो जाएगा उसका वेट लॉस हो जाएगा वेट लॉस हो जाएगा फिर पेशेंट चल भी नहीं पाता है क्योंकि आप ये देखिए कि जो पेशेंट 80 किलो था 90 किलो था वो पहुंच गए 30 किलो पे तो उसका जो मास है उसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा खत्म हो जाता है आस ऐसा करके ऑर्गेनिक फेलियर स्टार्ट हो जाता है लंग्स बैठ जाते हैं हार्ट को दिक्कत होती है ब्रेन काम करना बंद कर देता है आप इमेजिन नहीं करोगे चल नहीं पाता पेशेंट तो इसलिए अगर मान के चलो आपको एच आई वी इंफेक्शन है तो डरो मत सबसे पहले पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ अपने टेस्ट कराओ और डॉक्टर साहब को बोलो डॉक्टर साहब मेरे को सारे टेस्ट कर दो आप मेरी जितनी भी एस है कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसको डिटेक्ट करो एक्सरे टेस्ट करना है आपको सी स्कैन मैंडेटरी है आपको सारे ब्लड के टेस्ट होने चाहिए आपका हेपेटाइटिस प्रोफाइल होना चाहिए ए बी सी आपका प्रोफाइल होना चाहिए आपको क्लमीडिया गुनेरिया टैक्मोस हर्पिस इनके टेस्ट होने चाहिए आपका टीबी का टेस्ट होना चाहिए क्या आपको टीबी तो नहीं है फिर उसके बाद आपका वायरल लोड होना चाहिए कि वायरस कितना है आपका सी डी काउंट होना चाहिए कितना है फिर आप डिसाइड करोगे कि ये पेशेंट कहाँ पर है लेवल कहाँ है क्या ये पहली लेवल पे है क्या ये दूसरी लेवल पे है क्या ये तीसरी लेवल पे है क्या ये आखिरी लेवल पे है चौथी लेवल तो वहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आपको फिर थ्री ड्रग थेरेपी स्टार्ट करनी है फोर ड्रग थेरेपी स्टार्ट करनी है फाइव ड्रग थेरेपी स्टार्ट करनी है फिर आपको एंटी ऑक्सीडेंट्स देनी है फिर आपको लीवर की दवायाँ देनी है फिर आपको प्रोटीन्स देने फिर आपका मैनेजमेंट थोड़ा चेंज होता है फिर आपका मैनेजमेंट आई वाला हो जाता है कि जब आई में पेशेंट होता है फिर बहुत सारे तरीके चेंज हो जाए ट्रीटमेंट के लेकिन वो टाइम आना ही क्यों आप सबसे पहले अगर आपको लगा कि आप एच आई पॉजिटिव डॉक्टर के पास जाओ दवा स्टार्ट करो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बहुत पेशेंट क्या करते हैं वो आजकल नया ट्रेंड चला आजकल लोग बाबाओं के पास जाते हैं mm. और वो बाबा मंत्रों से अपना वो उच्चारण करके अपना पाठ पूजा से वो ट्रीटमेंट करते और जब तक पेशेंट का बेड़ा गर्क नहीं होता ना जब तक उसका घर नहीं बिकता तब तक उसको ख्याल नहीं आता फिर उसके बाद जब आप उसका सब कुछ तन मन धन पैसे सारा कुछ लुट गया होता फिर उसको याद आती अरे यार मेरे को तो डॉक्टर के पास भी जाना तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट करें आप अपने डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे को टेस्ट करो मेरे को तो पता तो चले मैं कहां पर हूं मेरे को सेकेंडरी इंफेक्शन कौन कौन सा हो रहा है क्योंकि जो पेशेंट को मारता है वो एचआईवी नहीं मारती वो सेकेंडरी इंफेक्शन मारता है तो इसलिए ध्यान रहे अगर आपको इंफेक्शन हुआ है देखो हमारे यहां पर सबसे प्रॉब्लम क्या है कि स्क्रीनिंग नहीं है स्क्रीनिंग होनी चाहिए आप हर एक साल में दो साल में देखिए आजकल क्या होता है कि मसाज पार्लर में चले गए अब वहां पर मसाज पार्लर में आप जाके अपने सेक्स की मसाज कर ली अब आप अनजाने में सेक्स कर लिया आपने कॉनम यूज नहीं किया कॉनम ब्रेक हो गया उसको इग्नोर मत करो डॉक्टर के पास जाओ आजकल दवाई है आप एचआईवी से बच सकते हो इस ट्रीटमेंट का नाम है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफलेक्सिस अगर मान के चले आप गलती से किसी पार्टी में गए या किसी क्लब में गए आपने पर दारू पी अब आपको ध्यान नहीं आपके साथ कौन सा पार्टनर है अब उसने आपको घर बुलाया या आप उसके गए या आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो आपको याद ही नहीं क्योंकि आपने दारू पी है मेमोरी इरेज हो गई आपने सेक्स किया आपने कॉनम लगाया नहीं लगाया लेकिन अगर आप बहत्तर घंटे में सेवेंटी टू आवर्स में हमारे पास आते हैं तो हम आपको एच होने से बचा सकते हैं इस दवाई का नाम है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस देखिए उत्कर्ष जी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं इस पे आप थोड़ा सा अगर आप लोगों को क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग है <laughs> आप आप बहुत ही आप, आप लोगों में आपका एक ब्रांड है और मैं रियलिटी में कह रहा हूं आप इस चीज को फैला सकते हो आप ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप घर घर पहुँचा सकते हो क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर एक लड़का गलती से किसी मसाज पॉलर में गया या किसी लड़की आजकल क्या होता है आजकल ट्रांसजेंडर्स होते हैं सड़कों पे खड़े होते हैं शाम को पार्टी से बंदा निकला अब या ऑफिस में उसने दारू पी ली सैटरडे नाइट थी अब आ रहा शाम को रास्ते में उसको लड़की दिख गई आप उसने वहां पर उसके साथ अनप्रोटेक्ट सेक्स किया वॉट नेक्स्ट हो गया उसके हंड्रेड परसेंट चांसेस इंफेक्शन के कोई इंफेक्शन हो सकता है। तो उस वक्त क्या करना अगर बहत्तर घंटे में वो हमारे पास आता है तो वो उसको हम बचा सकते हैं। वी कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग एच आई बॉस्ट तो इस चीज को फैलाने में आप मदद कर सकते क्योंकि देखिए आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं आप एक अच्छा काम कर रहे हो आप सोसाइटी में एक बहुत बढ़िया मैसेज पहुंचा रहे तो अगर ये चीज हमारे मास तक जाती है जो बेचारे छोटे लड़के हैं आप इमेजिन नहीं करोगे स्कूल जाते हुए बच्चे भी आजकल ब्रोथल्स में जाते उनको वहां पर नहीं पता होता क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं वी डोंट नो हाउ टू डू प्रॉपर सेक्स वी डोंट नो वट इज द हमको अपने आप को कैसे बचाना है खाली कॉन्डम लगाने से आपका इन्फेक्शन नहीं बचता आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा आप माउथ किस करते हो उसमें आपको ट्रांसफर हो सकता है आप भूक सकिंग करते हो उसमें ट्रांसफर हो सकता है आप लिकिंग करते हो उसमें ट्रांसफर हो सकता है आप सकिंग करते हो उसमें ट्रांसफर हो सकता है सलाइवा से ट्रांसफर हो सकता है प्लस डेफिनेटली क्यों नहीं अगर मान के चलिए वायरल ओड ज्यादा है अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक पेशेंट अभी हमारे पास आया था उसका पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड वायरल लोड था सेवेंटी मिलियन सात करोड़ सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड वायरल सेल्स थी एच की भाई साहब अगर वो खांसेगा का भी ना छिकेगा अगर मान के चलो माइक्रो ड्रॉपलेट मुंह में चला गया पॉसिबिलिटी की इंफेक्शन होगा उसके सले से अगर आपके कहीं पे भी टच हो गया और वो आपने फिर बाई चांस अंदर हाँ. ले लिया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है आप पहले समझो एक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में सेवेंटी मिलियन सेल्स ऑफ एच वायरस एक मिलीलीटर ब्लड में तो आप ऐसे पेशेंट के साथ अगर टच में आते हैं तो भाई साहब आपको कोई दवाई नहीं बचा सकते और ये जो स्टेज है सेवेंटी मिलियन सेल्स वाली हाँ जो आप बता रहे हो ये स्टेज कितनी लीटर आती है जब आप इलाज नहीं नहीं देखिए देखिए अगर आप इलाज नहीं करते हैं अब देखिए आजकल क्या है कि लोग जिम जाते हैं वो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं खूब खाना खाते हैं अब उनका देखिए उनका सिस्टम तो स्ट्रांग होता ही है अब मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उस इन्फेक्शन है तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी देना है कि आप अगर जाते हैं तो बुक सब देखिए मान के जो आप सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करते हैं तो बुक सकिंग करें ही ना बिल्कुल क्योंकि जो अब आप सुख सक करते हो बूब्स को उसमें फ्लूड होता है चाहे कोई भी लड़की हो चाहे वो लेक्टेटिंग मदर मतलब हो तो उसमें ज्यादा होगा लेकिन अगर नॉन लेक्टेटिंग है तब भी उसमें आपको होते हैं जो ही आप शब करोगे वो आपके मुंह में जाएंगे अच्छा सर मुझे एक बात और बताइए ये जो लाजपत नगर कैलाश कॉलोनी और इन जैसे इलाकों के पास अक्सर हम देखते हैं कि या तो जिगोलोज हैं या गे हैं राइट मेल प्रॉस्टिट्यूट हैं और इधर लाजपत जाएंगे तो आपको बहुत सारी ब्लैक्स दिखेंगी राइट right? जो जिनका मतलब खुद मतलब क्योंकि उनकी आइडेंटिटी नहीं है ना नेशनल आइडेंटिटी नहीं है यहां पे राइट right? जिनकी नेशनल आइडेंटिटी नहीं है और उसके बाद ये लोग उन्हें जानते तक भी नहीं है राइट right? तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं क्योंकि भाई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है तो उनका ऑब्वियसली है कि उनका इंडियन पार्टनर तो होगा नहीं और उनका ऑब्वियसली बात है कि कोई और ही पार्टनर होगा राइट right? तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं इन बच्चों के जो लाजपत नगर के या नेचुरल्स के सामने खड़े होकर इनसे डीलिंग करते हैं उसके बाद इनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में जाते हैं चांसेस कितने हंड्रेड हो सकते हैं क्या देखिए मल्टीपल स्ट्रेन वायरस होता है इनको अब मान अच्छा। के चले एक लड़की है ब्लैक अब वो किसी अफ्रीकन कंटिनेंट से अगर उसने वहां से एच लाई देखिए गाना रोडा जिम्बाबे स्तोनिया नाइजीरिया ये सबसे ज्यादा एच है वहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर वो वहां से अगर उसने वहां से स्टेन लाया और उसने यहां पर इंडियन पार्टनर के साथ सेक्स किया तो उसने उसको अफ्रीकन स्ट्रेन दे दिया और अगर उस लड़की ने किसी गोरे के साथ सेक्स किया तो वो उसको अमेरिकन स्ट्रेन दे देगी और यहां पर अगर किसी के साथ सेक्स किया तो वो एशियन स्टैंड दे देगा तो मल्टी स्टेन वायरस होता है बहुत भयंकर इन्फेक्शंस होते हैं इनको देखिए हम लाइव पॉडकास्ट में हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता आप सोच भी नहीं सकते कि इन कंट्रीज के कितने पेशेंट हमारे पास आते हैं मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस है आजकल रशियन लड़कियां फ्रीली अवेलेबल हैं आपको पता नहीं कि जो ये लड़कियां हैं ये अजरबैजान से होती है एक एक एरिया है अजहरबाइजान है तो वहां पर जब लड़की पैदा होती है तो वहां पर वो नाचते हैं वो बेसिकली इतना खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा लाएगी उनका प्रोफेशनल जैसे यहाँ पर कोई कहते ना कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा या पॉयलेट बनेगा वहां पर कहते हैं कि हमारी लड़की तो प्रोट्यूट बनेगी अब आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे जितनी भी लड़कियां हैं जो गोरी चिट्टी लड़कियां होती एरिया तो आप समझिए वो क्या करती हैं तीन महीने वो दिल्ली में होती हैं टूरिस्ट वीजा पे तीन महीने वो बैंकॉक में होती हैं टूरिस्ट वीजा पे तीन महीने वो दुबई में होती है और तीन महीने अपने घर में होती आप यकीन नहीं मानोगे हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं के लिए मैक्सिमम जो इंटरकोर्स होता है इन वाइट या इन ब्लैक लड़कियों के साथ होता है अभी ब्लैक लड़कियों की बात करो आप किसी भी क्लब में जाओगे आपको ये लड़कियां मिलेंगी आप कोई भी सोशल नेटवर्क साइट खोलो आप टेंडर ले लो बम्बल ले लो या वो, वो बहुत सारी हुँ, हुँ. है आप वहां पर देखोगे ये फ्रीली अवेलेबल है और आप समझिए कि जो लड़की फ्रीली अवेलेबल है मान के चले महीने में उसने दस पार्टनर भी चेंज कर दिए रिस्क हंड्रेड टाइम्स बढ़ गया तो अब आपको डिसाइड करना है कि या अगर आपको अब आप सेक्सुअल लाइफ अच्छी है लगती है आपको एडवेंचरस लगती है कि नहीं भाई सेक्स करना है तो फिर आप प्री एक्सपोजर ले लो प्री एक्सपोजर ऐसी दवा है पहले हम बात करें थे पोस्ट एक्सपोजर की प्री एक्सपोजर ऐसी दवा है अगर मान के चलो आपको लगता है कि तीन चार महीने मैंने सेक्स करना है या आपको बैंकॉक जाना है घूमने के लिए आप पंद्रह दिन पहले दवाई स्टार्ट करो आप उसको 15 दिन ले लो फिर जब तक आप बैंकॉक में है या दुबई में आप उसको कंटिन्यू ले लो फिर दो हफ्ते और कंटिन्यू करो और फिर उसको छोड़ दो आपको अच्छा नहीं होगी तो जब हम बात करते हैं कि हम इसको हम कहते हैं सेक्स टूरिज्म है yes. तो जब हम सेक्स टूरिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और सेक्स के सेक्स को एंजॉय करते हैं राइट

टूरिज्म uh, पे जब किसी इंडियन को जाना है तो हाउ दे हाउ शुड दे स्टार्ट प्रेप देखिए अब मान के चले कि एक लड़का है उसको मान के चलो आप उसको लगता है कि भैया मैं दुबई जा रहा हूँ और उसके बाद मेरे को फ्रांस जाना है फिर एमेस्टेडिया जाना है, फिर वापस आना एक लंबे टूर पर रहा है अब देखिए अकेले जा रहा है या आप पुलिस के साथ जा रहा है अब उसको पता है कि यार वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मसाज पार्लर में जाऊँगा किसी सेक्स वर्क के साथ सेक्स करूँगा किसी क्लब में जाऊँगा तो उसके लिए क्या है कि अगर वो पंद्रह दिन पहले प्री एक्सपोजर स्टार्ट करेगा पंद्रह दिन पहले दो वीक्स पहले लेना ही लेना है अब मान के चलो आप अगर पंद्रह तारीख को जा रहे हैं तो पहली तारीख से आपने दवाई स्टार्ट करनी एक टैबलेट अ डे एट नाइट फिर आप जितनी देर तक दुबई में हैं या और किसी कंट्री में है जहां पर आप सेक्शुअल टूरिज्म पे जा रहे हैं जो जो भी आप वहां पर कर रहे हो उस दौरान आपने ये दवा खानी है फिर जब आप घर वापस आओगे फिर और दो, दो हफ्ते खानी है फिर उसको छोड़ना है That means कि फर्स्ट फिफ्टीन डेज प्लस लास्ट फिफ्टीन डेज और जो टाइम आपका बीच में उसको आप अगर ऐड करोगे तो आपको एच आई वी नहीं होगा लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि आज कल लड़के कम और लड़कियाँ ज्यादा खाती हैं <laughs> अच्छा इससे ये हंड्रेड परसेंट की एच आई वी नहीं होगा प्लस इससे कोई भी एस आई टी भी नहीं होगा नहीं 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 खाली एचआईवी के, के लिए खाली एचआईवी के लिए एसआईटी के, के लिए नहीं नहीं अच्छा तो एसआईटी के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं नहीं, नहीं, नहीं प्रोफ्लेक्सिस तो नहीं है आप जब इन्फेक्शन होगा आप फिर दवाई खाओगे प्रोफ्लेक्सिस एसआईटी तो के लिए कोई भी प्रोफ्लेक्स नहीं है तो एसआईटी अगर जैसे किसी को नहीं चाहिए बट उसे सारे शौक भी हैं तो फिर कंडोम यूज करो कंडोम से तो फर्क पड़ता

आ, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ ये है और आप बता दो एक बार कि जो नए नए बच्चे जीबी रोड जाते हैं नए नए बच्चे सोनागाछी जाते हैं या नए नए बच्चे जहाँ भी ये मसाज पार्लर या आजकल क्योंकि मसाज पार्लर तो कल्चर हो गया है तो जब ये जाते हैं तो इन्हें लगता है कि सिर्फ इन्हें एड्स ही हो सकता है क्योंकि एड्स पिक्चरों में सुना है टी में देखा है और बहुत बड़े बड़े प्रचार हुए हैं राइट एड्स कर रहे सरकार ने भी मुहिम चलाई है बट क्योंकि एस के बारे में मुहिम जरूर चलाई होगी बट घर घर तक नहीं पहुंची है तो प्लीज़ आप एक बार ये और क्लैरिफाई कर दो कि क्या अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसको एस हो सकती है नहीं क्योंकि उसके लिए तो कॉन्डम है नहीं उसके लिए तो प्रोडक्शन है नहीं तो जीबी रोड से उठाया हुआ जो जीबी रोड पर एस आई टी होने कितने परसेंट चांसेस है देखिए जितने भी ये छोटे बच्चे बेचारे जो जो होते हैं उनको उनको पता नहीं होता एक तो वहां पर जाते हैं और इनको एक तो ये कॉन्डम साथ में लेके आते हैं अगर मान के जो जाना ही है तो अपना कॉनम एक अच्छी क्वालिटी वाला कॉन्डम साथ में ले लें लोकल वाला नहीं क्योंकि लोकल वाला फटता है और दूसरा बहुत बच्चे क्या करते हैं वो डबल कॉनम यूज करते हैं कि भाई मेरे को डबल प्रोडक्शन वो गलत है अच्छा। क्यों क्योंकि उसमें एयर बढ़ जाती है अब अच्छा। एक कॉनम लगाया ऊपर से दूसरा लगा दिया जल्दी में होता है पता तो होता नहीं है तो बीच में एयर आ जाता है वो वो एयर फटती है फिर वो दोनों को फाड़ देता है अच्छा। <laughs> तो वो फिर गलत है तो दो कॉनम यूज़ मत करो अच्छी क्वालिटी वाला एक अच्छी कंपनी का कॉनम यूज़ करो पहले तो जाओ ही मत लेकिन अगर बाई चांस मजबूरी है तो साथ में पैकेट में अपना कॉनम साथ में ले लो क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी ब्रोथल में जाते हैं वहाँ पर आप पर आपको लड़कियाँ मैक्सिमम कॉनम्स देती है आजकल देते हैं क्योंकि अब कॉनम की इतनी वैल्यू नहीं रही लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सब स्टैंडर्ड होते हैं अच्छे वाले क्वालिटी वाले कॉनम नहीं होते तो वो मैक्सिमम टाइम्स फटते हैं लेकिन दूसरा भी चीज़ है कि क्या पता उस लड़की ने यूज कॉनम दे दिया ये भी तो पता नहीं ना मान के चले अगर उसने कोई यूज कॉनम लगा दिया तो बेड़ा गर्क जिंदगी खत्म तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप जीबी रोड जाते हैं या जो भी हम जब भी कोई भी ब्रोथल पे जा रहे हैं या किसी सेक्स वर्कर के साथ जाते हैं या कोई आपको लगती है लड़की जिसकी बल्टल पार्टनर से तो वहां पर अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो ज्यादा वो वो हाइपर मत हो अपना सेक्शुलटोकोर्स करो अपना प्रॉपर ध्यान से उसको उतारो देखो सबसे ज्यादा गलती जब लड़के करते हैं वो क्या करते हैं आपने सेक्शुअल इंटरकोर्स किया फिर वो कौंडम उतारा ठीक है हाथ धोया नहीं फिर उसी से अपने पेरेंट्स को टच कर लिया तो वो तो डायरेक्ट ऑफ तो कंटेक्ट हो गया राइट तो ध्यान तो रहे जब आप कॉन्डम उतारते हो आप टिश्यू पेपर का या अपने रुमाल का यूज करो उसको उतारो उसको फेंक दो प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करो फिर हाथ धो अपने पहले वॉश करो एक नहीं दो नहीं तीन बार वॉश करो फिर उसके बाद आपने पैसे हाँ लगाओ क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सारे चेक करते हैं <laughs> ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना भाई नहीं। नहीं। तो ये गलत है ठीक है सबसे ज्यादा लोग इसी में फंसते हैं वो तो कह रहे हैं अच्छा उनको ध्यान भी नहीं इसमें जाता प्रॉब्लम क्या है कि उनको ध्यान भी नहीं जाता उनको लगता है कि यार मैंने तो प्रोटेक्शन लगाई मेरे को तो ऐसे ही नहीं हो सकती तो थोड़ी ना आप समझे उसने प्रोटेक्शन लगाया उसको दिमाग में यह ना मैंने कॉनम यूज किया है लेकिन कॉन्डम उतारने के बाद जो उसने गलती की वो तो यार सुसाइड है भाई सबसे ज्यादा इंफेक्शन इसी में होते कि आप ध्यान नहीं देते कॉन्डम एचआईवी प्रिवेंट कर सकते हम सलाइवर ओरल सेक्स करते हुए तो फिर कैसे प्रिवेंट करेगा ये हर एक पेशेंट में ये हर एक चीज इसमें नहीं हो सकता ना ये तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि उसका मान के चले कि आपने किसी लड़की के साथ सेक्स किया और उसका लोड ज्यादा है तो ये रेयर ऑफ हम देखो हम गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते दे, देखो एस को भी कॉडम प्रिवेंट करता है प्रोटेक्शन देता है नाइनटी परसेंट तक प्रोटेक्शन देता है अब थोड़ा सा आप मान के चलो वहां पर गलती कर गए आपने बुक सकिंग कर ली आपने लीकिंग कर ली आपने और कुछ एडवेंचर कर दिया तो खत्म हो जाएगा राइट ठीक है सर ठीक है एच पी हो गया है और अच्छा ये इंटरेस्टिंग है कॉन्जेनाइटल सिफिलिस ये एक, ये ये भी एस है सिफिलिस की बात हमने करी ना बेसिकली जो सिफिलिस है जब भी पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा फिर वो लेडीज में जो हाँ। विजन वॉल्स है उसमें सिफिलिस आ जाता है और वो बिल्कुल अल्सर्स बनते हैं बिल्कुल रही 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 रही। वो छाले पड़ते हैं तो उस

आपने दवाई बंद कर दी वो गलत है आपको ट्रीटमेंट पूरा लेना है मान के चलिए अगर डॉक्टर साहब ने बोला है कि पांच दिन दवाई खाने तो पांच दिन दस दिन लिखिए तो दस दिन रीजन क्या है कि इंफेक्शन स्टार्टिंग में मान के चलिए किसी को गुनेरिया है या सिफिलिस है उसने दवाई खा ली उसका सिम्टम्स में फर्क पड़ गया बीमारी प्रॉपर इरेडिकेट नहीं हुई सिम्टम्स फर्क पड़ गए इम्यून सिस्टम में बाउंस बैक कर दिया तो आप ठीक होने लग जाते हो लेकिन फिर पांच दस दिन के बाद फिर वापस वो आएगा और जब वो वापस आएगा वो बैंड बाजा बारात लेके आता है क्योंकि उसका जो लेवल होता है ना वो बहुत ऊंचे वाला होता है उसमें जो रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपने एक दवा यूज की है मान के चले आपने कोई दवा यूज की है ए दवा यूज की आप उसके अगेंस्ट अगर वही दवा आप दूसरी बार दोगे तो उसका रेजिस्टेंस आएगा क्योंकि उस, उस वक्त क्या करता है वायरस या उस वक्त क्या करता है बैक्टीरिया वो उस दवाई को लड़ने के लिए म्यूटेट होता है और तो म्यूटेशन होगा फिर दवाई काम नहीं करेगी तो, तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन और दूसरी चीज आप मान के चलो एक ही बीमारी के लिए बार बार सेम एंटीबायोटिक खा रहे हो प्रॉब्लम तो यहां पर यह है ना कि जो आप चिकन खाते हो मटन खाते हो आप चिकन में बहुत सारा एंटीबायोटिक डाला जाता है

जो एग्जैक्टली एच आई वी के पेशेंट्स हैं प्लस दी एस आई टीज पेशेंट और इन दोनों की डाइट्स जो हैं उनमें कितना हेयर फेयर होता है अगर हम बात करें या दोनों की देखिए एस आई टीज में डाइट का कोई ज्यादा रोल Perfect. नहीं है कोई है? इतना कोई ज्यादा रोल नहीं है लेकिन अगर एच आई वी है तो वहां पर हाई प्रोटीन डाइट आपको जरूरी लेना है क्योंकि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी काम नहीं करेगी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब भी एच आई वी होगी तो पहले सबसे पहले मसल्स के ऊपर ही अटैक करता है आदमी को सुखा देता है तो उस वक्त आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है जब आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो क्योंकि आपकी जो सेल्स है इम्यून सेल्स है वो फाइट कर रही है जो हमारी सी डी फोर सेल्स है वो सुसाइड सेल्स होती है वो क्या करती हैं वायरस को देखती हैं ऊपर उसके ऊपर अटैक करती हैं ब्लास्ट करते हैं तो हमको उनको भी एनर्जाइज करना पड़ता है क्योंकि हमको खाली बैक्टीरिया वायरस का नहीं देखना है हमें अपनी बॉडी का भी देखना है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स है वो एनर्जाइज हो उनको अच्छा प्रोटीन मिले और सबसे अच्छा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा अंडा सबसे सस्ता आपने एग वाइट ले लो येलो वाला पार्ट फेंक दो अगर आप एच आई पॉजिटिव पेशेंट हैं दो तीन चार अंडे भी खा सकते हो दिन में आप चिकन खा सकते हो वैसे कंटेमनेटेड है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है इसमें मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ मछली खा सकते हो आप क्या रिकमेंड करते हो मछली मछली सबसे बेस्ट है इससे बढ़िया कोई प्रोटीन ही नहीं है और अगर आप वेजिटेरियन है काली उरद की दाल सबसे बढ़िया प्रोटीन दालस में तो सारे प्रोटीन है ही है लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काली उरद की दाल है आप ब्रोकली खा सकते हैं आप सोयाबीन खा सकते हैं, आप कटहल खा सकते हैं। कटहल इज द बेस्ट प्रोटीन जिस सब्जी को हम पूछते नहीं है इससे बढ़िया कोई प्रोटीन नहीं है पाउडर वाला प्रोटीन भी पीते हैं लोग में

आजमा सकते हो मान के चले आपने लहसुन आप उसका सेवन बढ़ा सकते हो तुलसी के पत्ते ले सकते हो आप धनिया और जो ये पुदीना उसकी चटनी खा सकते हो बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम के लिए मिर्ची उसमें थोड़ा सा डाल दो आप उसमें अदरक डाल सकते हो अदरक बहुत बढ़िया रहता है आप आ, ये हल्दी होती है जो आ, कच्ची हल्दी होती है उसको आप उसका सेवन बढ़ा सकते हो फ्रूट्स आप खाओ साइट्रिक फ्रूट्स बहुत बढ़िया रहते हैं एंटीवायरल्स के लिए जैसे आप संतरा खा लेते हो मौसमी खाते हो आप अनार ले लिया आपने पाइन ले लिया तो जितनी भी आप साइट्रिक फ्रूट्स खाओगे वो सारे एंटीवायरल हैं ठीक है साथ में खीरा हो गया टमाटर हो गया आप सलाद्स का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने वो खाना खाना है जहां पर तेल कम हो मसाले कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो और मिनरल्स प्राट ठीक है जो हमने न्यूट्रिशनल जितनी न्यूट्रिशनल पार्ट की बात करी उसमें डाइट जितना क्रूशियल रोल प्ले करती है उसी के हिसाब से पोस्ट एक्सपोजर जो है जिनके बारे में बात करेंगे पेप राइट तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो आसान भाषा में और फिर इसके क्या क्या ड्रग्स हैं कैसे ये चीज चलती है वो और बता है अगर मान के चले कोई लड़का कोई लड़की बाई चांस किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पर उन्हें ड्रिंक कर ली और उन्होंने वहां पर सेक्स कर लिया किसी पार्टनर के साथ जिसके बारे में पता नहीं था कि उसका स्टेटस क्या है एच का अगर वो पेशेंट हमारे पास विद इन सेवेंटी टू आवर्स आता है और हम उस पर दवाई स्टार्ट करते हैं जिसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस तो उस पेशेंट को एच नहीं होगी ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट ड्रग है कि अगर कोई भी पेशेंट मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो लड़के हैं वो रेव वार्टीज करते हैं वहाँ पर ड्रग्स यूज़ होती और फिर ड्रग्स के बाद वहाँ पर गैंग रेप होता है लड़कों का अब मान के चलिए एक पार्टी में 20, 25, 30 लड़के हैं उन्होंने एक लड़के को पकड़ लिया उसके साथ उन्होंने एनल सेक्स कर लिया तो वहाँ पर उस केस में लाजमी है कि इन्फेक्शन हो सकता है अगर वो पेशेंट हमारे पास आता है विद इन सेवेंटी टू आवर्स तो हम उसको दवाई देंगे उसको एच आई वी नहीं होगी सेम मान के चले एक पेशेंट है वो मसाज पॉलर में गया और वहां पर मसाज करते करते उन्होंने सेक्शुअल इंटरकोर्स किया और वो कौंडम लगाना भूल गए तो वहां पर भी आप इस दवाई को यूज कर सकते या कभी आप किसी बारबर के पास जाते अब बार बार शेव कर रहा है अब मान के चलिए गलती से उसने कट लगा दिया और वहां पर ब्लड उज आउट हो गया और आपको लगा कि वहां पर इन्फेक्शन होने का चांस है तो वहाँ पर आप पैप यूज कर सकते हैं या अगर कोई पेशेंट वो किसी टैटो बनाने वाले के पास गया आजकल जो टैटोज है वो गली गली में बैठे रहते मार्केट्स में बैठे रहते। तो टैटो में जो मशीन होती है उसमें एक वो जो ऊपर वाला एक ब्ले वो आ, ब्लेड होता है जिससे वो आ, इंक फेंकता है बॉडी में वो नया लगना चाहिए लेकिन आप मान के चलिए टैटो बनाने के लिए पचास रुपये दे रहे हो लेकिन वो जो उसका जो इक्विपमेंट है वो हज़ार रुपये का आता है या डेढ़ हज़ार का आता है तो वो करेगा नहीं वो उसका मल्टी यूज करेगा तो जहाँ पर ये मल्टी यूज होगा वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस है अगर बाई चांस गलती से किसी बच्चे ने आपके घर में वो किसी आ, मेले में गया था वहां पर उसने टैटो बना के आ गया पापा मैंने तो टैटो बना दिया बेटे कितने पैसे दिए पापा मैंने तो पचास रुपए दे दिए तुरंत डॉक्टर के पास जाओ उसको पैप खिलाओ या आप किसी डॉक्टर के पास गए आपको शक लगा कि डॉक्टर साहब ने श्रींज को चेंज नहीं किया था उसने पुरानी सरिंज यूज की थी या आपके यहां पर कोई ब्लड निकालने वाला आया उसने बाई चांस यूज नीडल यूज की तो उस केस में अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम पेप यूज कर सकते हैं तो पेप से क्या होगा कि आपका एच आई वी इन्फेक्शन रुक जाएगा अब पेप में क्या है पेप में क्वालिटीज बहुत है थ्री ड्रग है फोर ड्रग है फाइव ड्रग है थ्री डेक थेरेपी जो है वो बेसिक थेरेपी है वो एक एन एच ड्रग है लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है उसमें वो रेजिस्टेंस स्टेंज में काम नहीं करेगा वो मल्टी स्टेंज में काम नहीं करेगा वो हाई वायरल लोड में काम नहीं करेगा अब मान के चलिए आपने सेक्स किया एक ब्लैक लड़की के साथ वो अफ्रीकन से थी उसके पास जो स्ट्रेन था वो अफ्रीकन स्ट्रेन था और उसने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ यहां पर इंडिया में सेक्स किया तो अगर किसी को एचआईवी थी तो उसने एशियन स्टैंड दे दिया तो जब आप उस लड़की के साथ सेक्स करोगे तो आपको चांस है कि आपको इंफेक्शन जो होगा वो मल्टीपल स्टेज का होगा वहां पर प्राइमरी डेक काम नहीं करेगी थ्री टेक थेरेपी काम नहीं करेगी या रेजिस्टेंस है अब मान के चलो रेजिस्टेंस कैसे आएगा अब एक एच पेशेंट है वो दवाई खा रहा है अब उसने महीना छह महीना साल दवाई खाई साल के बाद उसको लगा मैं ठीक हूं उसने दवाई बंद कर दी अब दवाई बंद कर दी जो स्ट्रेन उसमें होगा वो रेजिस्टेंट वाला होगा अगर बाई चांस आपने उसके साथ सेक्स किया और आप डॉक्टर के पास गए उसने गलती से वो दवा दे दी जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन में काम नहीं करती है आपको इन्फेक्शन हो सकता है तो आपकी मेहनत जाया हो जाएगी या कोई पेशेंट है जिसका वायरल उड़ाई है आजकल इतने इन्फेक्शन आप देख सकते हो कि एक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में सत्तर मिलियन सेल्स ऑफ वायरस दैट मीन सात करोड़ सेल्स एक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में तो आप इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो इसलिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी है आजकल वेबसाइट्स हैं जो आपको बिना सोचे समझे कोई भी दवा उठा के दे देते हैं नाखों की गाइडलाइंस है कि आप इसको ऑनलाइन नहीं दे सकते आप जब भी किसी पेशेंट को पेप देना है तो पेशेंट से कंजर्न लेना मैंडेटरी है बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आपको बोला जाता है कि आप ये ड्रग ले लो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया आपको पेप लेनी गलत है वो। आप डॉक्टर के पास जाइए डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी दवा लेनी है डॉक्टर को पता होता है कि इन्फेक्शन कितना है कौन सी दवाई लेनी है बॉडी वेट कितना है पेशेंट का और कोई डिजीज तो नहीं है कोई कोम नहीं है लिवर कैसा है किडनी कैसा है ओबिसिटी कैसी है वेट कितना है ये तो डॉक्टर डिसाइड करे सेल्फ मेडिसिन मत लो अब थ्री ड्रग थेरेपी प्रैक्टिकली तकरीबन सत्तर से बहत्तर परसेंट ही काम करती है. फिर आता फोर ड्रग फोर ड्रग रेजिस्टेंट स्टेंस में भी काम करेगा मल्टी स्टेंस में भी काम करेगा और हाई वायरल लोड पे भी काम करेगा बड़ी डिसेंट ड्रग है थोड़ी सी कॉस्टली है क्या कॉस्ट अगर मान के चलिए एक पेशेंट है जिसका वेट 80 किलो है तो डिसेंट सी ड्रग पंद्रह बीस हजार के आसपास आएगी ये वेट, वेट के हिसाब से दी जाती है। फिर उसमें फिर थोड़े अगर रिफाइन करोगे ड्रग्स को तो थोड़े कॉस्ट ज्यादा जब भी आ सकते फिर आता ड्रग अब ड्रग थेरेपी कहां पर देते हैं मान के चलो एक पेशेंट है उसने टैटो बनाया वहां पर डायरेक्ट ब्लड कंटेक्ट है या किसी डेंटिस्ट के पास गया अब डेंटिस्ट ने वो जो वो ग्रिल मशीन वो ड्रिल, ड्रिल होता है वो उसने यूज नया नहीं किया उसने सफाई की दांत की तो वहां पर भी हो सकता है या कोई 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 सेक्स पेशेंट है उसको मान के चले डॉक्टर को प्रिक लग गया किसी नर्स को लग गया हेल्थ वर्कर को प्रिक तो वहां पर हम फाइव रख देते बहुत ही डिसेंट काम करता है तीस दिन तक दवाई खानी है और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा ये बहुत जरूरी है कि आपने किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है यह डॉक्टर करेगा और जब उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो उसको पता चलता है कि यार इसको यहां पर यह दवा फिट बैठेगी क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि अगर लड़की है वो कहां से है और कहां कहाँ से नेपाल से है तो अलग स्टेन है नॉर्थ ईस्ट से तो अलग स्टेन है अफ्रीका से तो अलग स्टेन है अमेरिका से तो अलग स्टेन है यूरोप से तो अलग स्टेन है वो डॉक्टर को पता होता है क्योंकि वो तो यही काम करता है दिन भर वो आप डिसाइड नहीं कर सकते गलती से आपने गलत दवा खाई यू विल गेट इन्फेक्शन तो बेटर इज विद इन सेवेंटी टू आवर्स अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गई चाहे वो किसी भी वजह से हो सेल्फ मेडिकेशन ना करें डॉक्टर के पास जाए और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आपका इलाज करते बिल्कुल गलत है टाइम वेस्ट करते हैं आपका टाइम भी वेस्ट करते हैं पैसा भी वेस्ट होता है क्योंकि वो काम नहीं करती पोस्ट एक्सपोजर में कोई भी आयुर्वेदिक दवा काम नहीं करे होम्योपैथी मतलब ही नहीं ठीक है बाबा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाएं काम नहीं करती है